हाय फ्रेंड्स, वेलकम हियर ऑन WWE वर्ल्ड। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे रोमन रेंस, फिन बालर और ब्रॉन स्टोमन के बीच WWE यूनिवर्स में मची बड़ी खलबली के बारे में। दोस्तों, इस खलबली में रोमन रेंस को WWE यूनिवर्स ने खूब टारगेट किया, जिसकी वजह से दोस्तों में आने वाले समय में रोमन रेंस के हाथ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, इस खलबली की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई, जब WWE ने WWE यूनिवर्स से वोटिंग कराते हुए पूछा कि आप ब्रॉक लेसनर के अगले अपोनेंट के रूप में किसे पसंद करना चाहोगे। दोस्तों, इस वोटिंग को WWE ने अपने एक YouTube वीडियो में पोल लगाते हुए पूछा WWE यूनिवर्स से कि आप आने वाले समय में किसको देखना चाहेंगे। दोस्तों, इसमें WWE यूनिवर्स का काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला और WWE यूनिवर्स में भारी मात्रा में वोट भी दिया इसमें। दोस्तों, इस वोटिंग के दौरान WWE यूनिवर्स ने 65% वोट के साथ फिन बालर को विजयी बनाया। वहीं ब्रॉन स्टोमन 10% के साथ दूसरे नंबर पे और रोमन रेंस 5% के साथ तीसरे नंबर पे रुके। दोस्तों, चलो यार, ठीक है, कम से कम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं बोला रोमन रेंस के बारे में। बट दोस्तों, WWE यही नहीं थमी, WWE ने फिर से वोटिंग कराते हुए फेसबुक पे भी एक अपलोड डाली कि आप अगले अपोनेंट के रूप में ब्रॉक लेसनर को किसे चूज करेंगे। दोस्तों, वहां तो बवाल ही हो गया, उसके बाद रोमन रेंस के ऊपर WWE यूनिवर्स फूट के बरसी। दोस्तों, इस वोटिंग के कमेंट बॉक्स में करीबन 225 कमेंट पड़े हुए थे, जिसमें रोमन रेंस की लोगों ने तबियत से खूब बराई की थी। दोस्तों, पहले ने कमेंट किया कि ये फालतू क्वेश्चन पूछने वाला है ही नहीं, क्योंकि विंसे का पालतू जानवर है रोमन रेंस और उसी को वो रेसलमेनिया में जिताएगा। दोस्तों, इसने तो बस इतना ही कमेंट किया, बट उसके बाद हमें 151 रिप्लाई भी देखने को मिले, जिसमें रोमन रेंस की तबियत से खूब बुराई की गई थी। दोस्तों, अगले ने WWE के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हुए कहा कि तुम ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि हम पहले चाहते थे जो जीते ब्रॉक से, अगर वो नहीं जीता उसके बाद हम चाहते थे स्ट्रोमन जीते, वो भी नहीं जीता। मैं जानता हूँ तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग रेसलमेनिया में रोमन रेंस को जिताना चाहते हो ना, बल्कि हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगले ने कमेंट किया, तुम लोग काफ़ी समय से प्लान बना रहे हो रोमन रेंस को जिताने की रेसलमेनिया में, विंसे मैकमैन तुम चाहे जितनी बार भी कोशिश कर लो रोमन रेंस को बेबी फेस दिखाने की, बट हमें वो अब पसंद नहीं है। हम वाकई में चाहते हैं ब्रॉन स्टोमन, फिन बालर और समोआ जो जैसा लड़े ब्रॉक लेसनर से रेसलमेनिया में, और इन्हीं तीनों में से कोई एक जीते। दोस्तों, ऐसे ही बहुत ढेर सारे कमेंट मुझे देखने को मिले, करीबन 225 थे, बट दोस्तों ये 225 में से एक भी कमेंट मुझे इंडियंस के देखने को नहीं मिले। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आपसे पूछा था आप रोमन का मैच ब्रॉक के साथ देखना चाहोगे या फिर शील्ड का मैच देखना चाहोगे रेसलमेनिया में। दोस्तों, इसका रिप्लाई करते हुए बहुत सारे लोगों ने ये उत्तर दिया, तो चलिए देखते हैं एक बार वो भी। दोस्तों, आसिफ खान ने उत्तर देते हुए बताया कि वो रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच देखना चाहते हैं। दोस्तों, आमिर खान ने कहा रोमन वर्सेस रेंस का मैच मैं देखना चाहता हूँ। समीर ने कहा रोमन इज बेस्ट। गोकुल चौहान ने कहा आई लव रोमन रेंस। दोस्तों, शेख रियाज ने मुझसे कई बार कमेंट से बात भी किया और उन्होंने बताया कि वो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक का मैच देखना चाहते हैं, जिसमें वो रोमन रेंस को चाहते हैं यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए देखना। दोस्तों, रेसलिंग क्लब ने भी सेम आंसर देते हुए कहा कि उन्हें लेसनर और रेंस का मैच देखना है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कमेंट आए जिसमें मुझे केवल यही देखने को मिला कि वो आने वाले रेसलमेनिया में लेसनर और रेंस का मैच देखना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज आप कमेंट करके फिर से बताइएगा कि आने वाले समय में यानी रेसलमेनिया में आपको लेसनर और रेंस का मैच देखना है कि नहीं। अगर दोस्तों देखना होगा तो पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा लेसनर और रेंस से। दोस्तों, साथ ही साथ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दे दिया जिसमें WWE वोटिंग करा रही है। दोस्तों, आप भी जाके जल्दी से रेंस वर्सेस लेसनर की वोटिंग कर दीजिएगा, तो दोस्तों हमें आने वाले रेसलमेनिया में शायद लेसनर और रेंस का मैच देखने को मिले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से बाय फॉर वॉचिंग। थैंक यू।